तो आप में से कई लोगों ने इस वीडियो को देख भी लिया होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर यह वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। ये वीडियो कनाडा का बताया जा रहा है, जिसमें इंदिरा गांधी का स्टैच्यू आपको नजर आ रहा है। कुछ लोग गोली चलाने की मुद्रा में हैं। ये झांकी और झांकी को लेकर भारत में संग्राम हुआ। संग्राम के बीच एस जयशंकर ने कनाडा को बड़ी चेतावनी दी है। क्या कुछ कहा है और क्या था विवाद, बताते हैं आपको पूरी खबर में। किस तरीके से भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए जयशंकर कनाडा से भिड़ गए। दरअसल कनाडा में कार्यक्रम के दौरान भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के जश्न का मामला भारत में भी तूल पकड़ता जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा को सीधी चेतावनी दे दी है और कहा है कि ये रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है। सोशल मीडिया पर झांकी का यह वीडियो सामने आया था, जहां भारत की पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा गांधी को खून से सनी हुई साड़ी में दिखाया गया था। जयशंकर ने इस घटना के तार वोट बैंक की राजनीति से जोड़ते हुए कहा है, मुझे लगता है इसमें कोई बड़ा मुद्दा शामिल नहीं है। साफ तौर पर कहूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसमें वोट बैंक की राजनीति के अलावा क्या वजह हो सकती है। कोई ऐसा क्यों करेगा? मुझे लगता है अलगाववादियों, चरमपंथियों और हिंसा की वकालत करने वालों को मिली जगह से जुड़ा कोई बड़ा मुद्दा इसमें शामिल है। तो साफ तौर पर कनाडा पर निशाना साधा है एस जयशंकर ने, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। उन्होंने आगे ये भी कहा, मेरे हिसाब से ये संबंधों के लिए सही नहीं है, ये कनाडा के लिए सही नहीं है। खास बात यह है कि हाल ही में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं बरसी मनाई गई थी और इस दौरान ये वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि इस बीच आपको यह भी याद दिला दें कि इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार से मांग की थी, दखल देने की मांग की थी। पार्टी के वरिष्ठ नेता है, नाम है जयराम रमेश, उन्होंने इस घटना को बहुत नीच बताया था। जयराम रमेश की तरफ से कहा गया था कि यह बहुत ही नीच हरकत है। डॉक्टर एस जयशंकर को यह मुद्दा कनाडा के अधिकारियों के सामने मजबूती से उठाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जितनी मजबूती से इस मुद्दे को उठाने की बात कह रही थी, एस जयशंकर ने उससे भी ज्यादा मजबूती से इस बात को उठाकर कनाडा को सख्त संदेश दिया है। इसके अलावा मिलिंद देवड़ा का भी इस मामले पर बयान आया था। उन्होंने कहा था कि एकजुट होकर प्रतिक्रिया देने चाहिए हमें, क्योंकि यह देश के इतिहास के सम्मान का सवाल है। हालांकि जिस वायरल वीडियो का जिक्र हो रहा है, उसमें इंदिरा गांधी की झांकी जो है नजर आ रही है, जिसमें इंदिरा गांधी जो है खून से सनी हुई साड़ी में हाथ ऊपर कर खड़ी हुई नजर आ रही है। वहीं पर दो बंदूकधारी जो है वो उन पर निशाना लगा रहे हैं। झांकी के अंत में बदला भी लिखा है, यानी कि रिवेंज। हालांकि जो भारत में कनाडा के उच्चायुक्त हैं, उनका भी इस मामले को लेकर बयान आया था। उनका बयान भी यहां पर जानना जरूरी हो जाता है, उसके बाद आपको बताते हैं पूरी पिक्चर। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैके ने कहा था कि कनाडा में इस तरह की हिंसा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने और नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने इस मामले को लेकर ट्वीट किया था, मैं कनाडा में आयोजित एक कार्यक्रम की खबरों से डर गया हूं, जहां दिवंगत इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाया गया। कनाडा में नफरत या हिंसा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोई जगह नहीं है, मैं इन गतिविधियों की निंदा करता हूं। तो आधिकारिक तौर पर उच्चायुक्त जो है कैमरून मैके, उन्होंने इसको कंडेम्ड किया है, बाकायदा ट्वीट भी किया है। हालांकि यहां पर समझना यह जरूरी है कि भारत में जो उच्चायुक्त है उन्होंने तो यह बयान दिया है, लेकिन जो उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है जॉर्डी थॉमस, उन्होंने एक बयान में कहा था कि भारत उनके देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। उन्होंने इस बात को लेकर कहा था, जब भारत लगातार खालिस्तान के मुद्दे को कनाडा के सामने उठा रहा था कि इस तरह से खालिस्तानी विचारधारा के प्रमोशन के लिए कनाडा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन अब जयशंकर ने उन्हें भी जवाब दिया है। जयशंकर ने कहा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, विदेश मंत्रालय के भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अगर किसी को शिकायत है तो हमको है, क्योंकि कनाडा खालिस्तान समर्थकों को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दे रहा है। तो ये विवाद लंबा चल रहा था, लेकिन जयशंकर ने बड़ी नाराजगी दिखाई है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ आप इस तरह का भद्दा मजाक जो है नहीं कर सकते हो। वीडियो वायरल हो रहा है, हालांकि इस पर आगे किस तरह की डेवलपमेंट होती है वो अपडेट भी आपके लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय आप जरूर लिखें। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।